हेलो दोस्तों, BNT यूनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं बंटी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल BNT यूनिक के ऊपर। तो दोस्तों, काफी बार आपके सामने ये प्रॉब्लम आई होगी कि आप जियो की सिम यूज करते हैं और अदरवाइज एक और सिम यूज करते हैं, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, BSNL, कोई भी। तो दोस्तों, जब आप अपने BSNL या वोडाफोन या दूसरी सिम के अंदर जैसे ही आप नेट ऑन करते हैं तो आपके जियो फोन का नेटवर्क चला जाता है। ये प्रॉब्लम अगर आप जियो सिम यूज कर रहे हैं तो आपने 100% फेस की होगी। तो ऐसा क्यों होगा और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आज हम उसी टॉपिक पर बात करना है। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है आपके फोन में और कैसे इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो वीडियो तो एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हेलो दोस्तों, तो काफ़ी बार ये प्रॉब्लम आपके सामने फेस आपने की होगी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम ये होता है कब हम किसी बाहर एरिया वगैरह में होते हैं या किसी ऐसी जगह में होते हैं जहाँ पे हमें जियो का नेटवर्क नहीं मिल पाता है और हम किसी दूसरी फोन सिम के अंदर रिचार्ज करवा लेते हैं या दूसरी सिम हम यूज़ करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम अपनी सेटिंग के अंदर जाके किसी दूसरी वाली सिम का नेट ऑन करते हैं तो जियो का नेटवर्क फ्रेंड्स चला जाता है, मतलब बिल्कुल ही आना बंद हो जाता है। न तो हम उससे कॉल कर सकते हैं और न सामने से कॉल आने वाली हमें रिसीव हो पाती है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम काफ़ी बार फेस करनी पड़ी होगी, काफ़ी बार आपके सामने आई होगी। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, होता ये है, आप पहले जितने भी मोबाइल आ रहे थे, अभी तो आ रहे सब डेवलप मोबाइल आ रहे हैं, पहले जितने भी मोबाइल आ रहे थे, मतलब अभी से 4-6 महीने पहले के मोबाइल की बात कर रहा हूँ जो लगभग काफ़ी लोगों के पास मिल जाते हैं, तो उसमें दोस्तों J7 वगैरह सैमसंग, उसमें दोस्तों ऐसा होता है कि आपके पास जैसे मान लो दो सिम है, दो स्लॉट है, स्लॉट 1 और स्लॉट 2। तो इसके अंदर ये होता है फ्रेंड्स कि सिम एक ही सिम 4G होती है उसके अंदर। काफ़ी आपने देखा होगा इंस्ट्रक्शन जब आप पढ़ते हैं किसी मोबाइल की या स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है 3G+4G या 4G+3G या 4G+4G या 3G+3G, सिम स्लॉट के बारे में लिखा होता है। तो दोस्तों, हर फोन के अंदर जो पहले आते थे, अभी के मोबाइल में नहीं, जो पहले आते थे उन मोबाइल में एक ही सिम के अंदर 4G चल पाती थी, या फिर तो आप सिम 1 में डालो या सिम 2 में डाल दो। ज़्यादातर लोग रेकमेंड करते हैं कि आप सिम 1 के अंदर ही डालो। तो फ्रेंड्स, होता ही है कि जब सिम 1 के अंदर 4G स्लॉट और सेकंड जो सिम है उसके अंदर आप एयरटेल आइडिया में 3G के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। अब होता है फ्रेंड्स, आप फर्स्ट वाली की जो सेटिंग है वो कर देते हैं आप 4G के ऊपर, जिसमें आपकी सिम जियो वाली चल पाती है। जब आप सेकंड सिम के अंदर 4G का नेट ऑन करते हैं तो दोस्तों होता ही है जो सिम 1 वाली जो स्लॉट है वो 3G के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों सिम कभी 4G पे नहीं चलेगी, दोनों बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। अगर आप सेकंड वाली सिम को 4G मोड के ऊपर स्टार्ट कर देंगे, सेटिंग 4G पे कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक 3G पे हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जियो किसी भी 3G फोन में सपोर्ट नहीं करती है सिम। तो फ्रेंड्स, जब वो स्लॉट 3G हो जाएगा, 3G होने के बाद में जियो सिम उसके अंदर सपोर्ट नहीं करेगी। तो दोस्तों, वो सपोर्ट नहीं करती है, इस वजह से वो 3G मोड पे चली जाती है और उस सिम का नेटवर्क चला जाता है। अगर आप वापस इसको फर्स्ट वाली जिसको जियो है, जियो को वापस आप 4G मोड के ऊपर करते हैं, 4G नेटवर्क वो जैसे ही एक्सेस करता है तो इसमें से नेटवर्क आना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए करना पड़ेगा, इसके लिए अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल चेंज करना होगा और मोबाइल आपको वो ही लेना पड़ेगा जिसके अंदर 8.0, 8.1 तक का वर्जन है, ओरियो वर्जन है। ओरियो वर्जन के अंदर दोनों के अंदर ही 4G सपोर्टेबल दिया जाता है। अगर आप ये आपके पास मान लो जियो है और ये एयरटेल, अगर आप इसमें 4G चला रहे फिर भी इसका नेटवर्क नहीं जाएगा दोस्तों, तो जो ओरियो वर्जन है आप उसे यूज़ कीजिए, आपके लिए सबसे परफेक्ट रहेगा और उसमें बिल्कुल भी आपकी नेटवर्क नहीं जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन मिला हो तो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।